सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब की मृत्यु और उसका गाड़ा जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति की किताब का 49वां अध्याय की 28वीं आयत से लेकर और उसकी 33वीं आयत तक, और आगे अगले अध्याय में भी प्रवेश कर जाते हैं 50वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। दो अध्याय के अंदर ये हमें इसका विवरण देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो बिल्कुल छोटा ही रहेगा, 4 से 5 मिनट का रहेगा, आप टेंशन ना लीजिए और हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ेंगे याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना। इज़राइल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया ये वे ही हैं। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद उसने आशीर्वाद दिया। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि याकूब ने भविष्यवाणी की थी और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया था, और जैसी जैसी जिसके अंदर विशेषता थी उसको वैसा वैसा ही उसको आशीर्वाद दे दिया था, और ऑन द फ्यूचर उनके साथ में क्या होने वाला है, किस प्रकार का उनका लोगों के प्रति या उनका शासन कैसा होने वाला है, उसके बारे में याकूब ने इनको पहले ही भविष्यवाणी करके मरने से पहले बता दिया है। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी और उसके बाद अपने सभी बच्चों को जो कि अपने पास बुला रखे, अपने याकूब अपने सभी बच्चों के पास है इस समय, और उसके बाद उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ और बताता है कि मेरे उम्र अब थोड़ी रह गई है, मेरे सांसे अब थोड़ी बाकी है, इसलिए मुझे हित्ती एप्रेम की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना। और अपनी आखिरी इच्छा बताता है याकूब की, जो मेरे बाप दादाओं वाली जो भूमि है, जहाँ जो कि मेरे बाप दादा ने मुझे खरीदी थी हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को दफनाने के लिए, उसी में मुझे उसी भूमि वाली गुफा में मुझे मिट्टी देना, अर्थात मेरी कब्र को उसी कब्र में रखना जो कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खरीदी थी, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में ममरे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है, उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो, और यह भूमि अब्राहम ने खरीदी थी ताकि आने वाली उनकी नंगले हैं उनकी कब्रें यहीं पर बने, और वहां अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और उसी भूमि में सारा और अब्राहम को भी मिट्टी दी गई थी, ये हम जानते हैं, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई थी, रिबका और इसहाक को भी वहीं पर दफनाया गया था, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी थी, और जब लिया की मृत्यु हो गई थी तो वहां पर लिया को भी इसी भूमि पर इसी जगह पर दफनाया गया था। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई है। याकूब जब अपने पुत्र को यह आज्ञा दे चुका तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला, और इस आज्ञा के बाद कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वो उसी गुफा में करना जिस गुफा में हमारे पूर्वजों का होता आया है। और इतना सब कहकर और अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद देकर यूसुफ ने अपने प्राण है याकूब ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। याकूब मतलब इज़राइल ने अपने प्राण छोड़ दिए। याकूब की यात्रा यहीं तक थी। और आगे जब हम देखते हैं 50वें अध्याय की पहली आयत, तो वहां लिखा हुआ है तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसको चूमा, और यूसुफ ने उन वेदों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव्य भरे, तब वेदों ने इज़राइल के शव में सुगंध द्रव्य भर दिए। और उसके बाद याकूब की मृत्यु के बाद है उसके जो शरीर के अंदर सुगंध द्रव्य भरे ताकि जो लाश है वो वहां तक जाने तक सड़ ना पाए जहां की जाने का अभी उसने कहा था याकूब ने कि मेरा दाह संस्कार है वो उस गुफा में करना जिसमें हमारे पूर्वजों का होता आया है। और उसने उसके 40 दिन पूरे किए क्योंकि उनके शव में सुगंध द्रव भरे जाते हैं, उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं, और सुगंध द्रव्य इसलिए भरे जाते थे ताकि 40 दिन तक मातम मनाया जाए। और ये सुगंध द्रव्य ऐसे होते थे, ऐसे केमिकल होते थे जिनको एक बार मृतक के शरीर पर डेड बॉडी पर लगाने के बाद उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती थी, सलामत रहती थी और गलती भी नहीं थी। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे, और 40 दिन की बजाय 70 दिन तक मिस्री लोग याकूब के लिए विलाप करते रहे थे। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब यूसुफ फिरौन के घराने के लोगों से कहने लगा, यदि तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो यह मेरी विनती फिरौन को सुनाओ, मेरे पिता ने यह कहकर देख मैं मरने पर हूँ मुझे यह शपथ दिलाई कि जो कब्र मैंने अपने लिए
कनान देश में खुदाई है, उसी में मुझे मिट्टी देना, इसलिए अब मुझे वहां जाकर अपने पिता को मिट्टी देने की आज्ञा दे, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। तो यहाँ पर यूसुफ है वो इजाजत चाहता है देश छोड़कर जाने के लिए, थोड़े से दिन के जाने के लिए कनान देश में जाने के लिए, कि वो अपने पिता का दाह संस्कार कर के 70 दिन है वो हो चुके हैं याकूब को मरे हुए, 70 दिन तक इसका मातम चलता रहा, उसके बाद है वो इसको दफनाने के लिए ले जाना चाहता है और इस बात की आज्ञा है वो फिरौन से मांगता है। तब फिरौन ने कहा जाकर अपने पिता की खिलाई हुई शपथ के अनुसार उसको मिट्टी दे। फिरौन बोले भाई जा भाई, तेरे पिता ने अपनी अंतिम इच्छा जो तुम पे जाहिर की तो अपने पिता की इच्छा को पूरी करो, हमें क्या आपत्ति है, जाओ आप। और इसलिए यूसुफ अपने पिता को मिट्टी देने के लिए चला और फिरौन के सब कर्मचारी अर्थात उसके भवन के पुरनिये और मिस्र देश के सब पुरनिये उसके संग चले, और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके पिता के घर के सब लोग भी संग गए, पर वे अपने बाल बच्चों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन देश में छोड़ गए और उसके संग रथ और सवार गए। इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई और हम देखते हैं कि याकूब का दाह संस्कार करने के लिए जो इतना लंबा सफर तय करना था उस सफर के लिए बहुत बड़ी भीड़ है, वो डेड बॉडी के साथ में जाती है कनान देश के लिए, मिस्र से कनान देश के लिए। जब वे आदात के खलिहान तक जो यर्दन नदी के पार है पहुंचे तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के लिए 7 दिन का विलाप किया और रास्ते में भी इन्होंने एक जगह पर डेड बॉडी को रोककर 7 दिन तक विलाप किया और बड़ा विलाप किया। आदात के खलिहान में के विलाप को देखकर उस देश के निवासी कनानियों ने कहा या तो मिस्र में कोई भारी विलाप होगा, इसी कारण स्थान का नाम अबेल मिश पड़ा और यह यर्दन के पार है। इसराइलियों के पुत्रों ने ठीक वही काम किया जिसकी उनको आज्ञा दी थी, अर्थात उन्होंने उनको कनान देश में ले जाकर मकपेला की उस भूमि वाली गुफा में जो ममरे के सामने है मिट्टी दी, जिसको अब्राहम ने हित्ती अब्राहम के हाथ से इसलिए मोड़ लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब ने जहाँ उसके अंतिम संस्कार की आज्ञा अपने पुत्रों को दी थी, उसके पुत्रों ने उसका दाह संस्कार वहीं पर किया।